तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ये इस टॉपिक से 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इकलौता एक टॉपिक है जनरल फार्मा में जिसे 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसको फार्माकोडायनेमिक्स की हेडिंग से। तो दो चीज़ होती है, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स मतलब है कि जो ड्रग का एक्शन होता है बॉडी में, कि जो ड्रग कर रही है अपने बॉडी के साथ। और फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, जो बॉडी कर रही है ड्रग के साथ, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये चार चीज़ें करती है अपनी बॉडी ड्रग के साथ। और फार्माकोडायनेमिक्स में अपन ये स्टडी करते हैं कि ड्रग क्या कर रही है अपने बॉडी के साथ। तो ड्रग एक्शन, तो ड्रग क्या क्या कर सकती है, एक स्टिमुलेशन कर सकती है। अब जो एड्रेनलिन है जैसे ड्रग, वो अपने जो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाती है, तो स्टिमुलेशन हो गया। डिप्रेशन, बारब्यूट्रेट, बेंजोडाइपिन से वो अपने CNS को डिप्रेस करते, तो डिप्रेशन एक्शन हो गया। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो गई, जैसे इंसुलिन की कमी हो गई डायबिटीज़ में, तो इंसुलिन अपन बाहर से देते, तो रिप्लेसमेंट की तरह भी काम आ सकता है ड्रग एक्शन। फिर साइटोटॉक्सिक, जैसे एंटी कैंसर ड्रग वगैरह जो होती है वो साइटोटॉक्सिक होती हैं, तो ये हो गया ड्रग एक्शन। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, कि कैसे एक्ट करती है, कौन सी मैकेनिज्म ज्यादा से एक्ट करती है। तो दो टाइप के मैकेनिज्म होती हैं, एक नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड और एक रिसेप्टर मीडिएटेड। तो जो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में आती है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाई फिजिकल एक्शन, जैसे कि ऑस्मोसिस, एक्जर्ट ऑस्मोटिक इफेक्ट देगा, और 20% जैसे मैनिटोल है वो ऑस्मोटिक इफेक्ट शो करता है और वो डायूरेसिस कराता है। ठीक है, फिर आता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब कि अपने सरफेस पर चिपका लेगा मॉलिक्यूल को, तो उससे क्या होगा कि वो एक्ट करेगा। जैसे अपन को टॉक्सिसिटी वगैरह कम करनी, टॉक्सिसिटी हो गई किसी चीज़ की, तो अपन चारकोल वगैरह दे देते हैं, जैसे कि जो टॉक्सिन मटेरियल एड्जॉर्ब कर लेता है और टॉक्सिसिटी कम कर देता है। फिर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप एमिट रेस, कुछ वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं वो कुछ रे एमिट्स करते हैं, जिस वजह से वो उसके डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं और ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं, जैसे I-131 इन हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, फिर बाई केमिकल एक्शन, जैसे कि एंटासिड है वो वीक बेसिस होते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज कर देंगे गैस्ट्रिक एसिड को। मेटल लाइक आयरन, कॉपर है ना, तो ये भी रिप्लेस कर सकते हैं। फिर थ्रो एंजाइम, एस इनहिबिटर, एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल, एलोप्रिनोल इनहिबिट जेंथिन ऑक्सीडेज। तो जो एस इनहिबिटर हैं वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, है ना। एलोप्रिनोल है वो अपना, देखो याद करा, गाउट में पढ़ा था अपन ने, तो इनहिबिट करते हैं जेंथिन ऑक्सीडेज को। फिर अपन थ्रो आयनल चैनल, बाइंड टू आयन चैनल एंड अल्टर द फ्लो ऑफ आयन, तो आयन चैनल में बाइंड करके जो आयन का फ्लो है उसको अल्टर करेंगे, जैसे लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक सोडियम चैनल। तो ये था नॉन रिसेप्टर मीडिएटर, कोई रिसेप्टर काम में नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट आता है रिसेप्टर मीडिएटर। सबसे पहले जानते हैं रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेल सर्फेस, साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस, विद विच ड्रग बाइंड एंड इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस सेलुलर चेंजेस। तो एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल जो सेल सर्फेस से प्रेजेंट होता है या फिर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, जिस पर ड्रग बाइंड करेगी, उससे इंट्रैक्शन करेगी और कुछ सेलुलर चेंज करेगी, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर। तो सबसे पहले ड्रग और रिसेप्टर दोनों साथ में आए, ठीक है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना और रिस्पॉन्स आ जाएगा उससे। ठीक है, फिर ड्रग, कोई भी ड्रग है उसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक एफिनिटी होनी चाहिए, मतलब कि एबिलिटी टू बाउंड टू रिसेप्टर, मतलब उसमें एफिनिटी होनी चाहिए रिसेप्टर के लिए। फिर दूसरी इंट्रेंसिक एक्टिविटी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर कॉम्बिनेशन विद रिसेप्टर। तो एक तो एफिनिटी मतलब उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि रिसेप्टर से बाइंड कर सके, और एक इंट्रेंसिक एक्टिविटी के मतलब कुछ चेंज ला सके, कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करे उस रिसेप्टर से जुड़ कर। ठीक है, तो इसमें जो अपनी इंट्रेंसिक एक्टिविटी है उसको चार टाइप में डिवाइड किया, जैसे कि एगोनिस्ट, ड्रग आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो रिसेप्टर है उस पर ड्रग बाइंड करके कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन करेगी जो उस रिसेप्टर का काम है, जैसे कि एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट में जैसे मान लो एड्रेनलिन, एड्रेनलिन बीटा 1 एगोनिस्ट है, मतलब बीटा 1 पे एक्ट करेगी और उसकी हार्ट रेट बढ़ाएगी, तो ये +1 हो गया, मतलब जो है ये इसने +1 काम किया ना, हार्ट रेट बढ़ा दी। फिर आता है एंटागोनिस्ट, ड्रग दैट प्रिवेंट्स बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट टू इट्स रिसेप्टर और ब्लॉक इट्स इफेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा और अपने एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देगा, मतलब एड्रेनलिन को बाइंड नहीं होने देगा, तो एक्शन नहीं आ पाएगा, जो एड्रेनलिन हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा था वो स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, तो जो इसका एक्शन हो गया वो 0, मतलब रिसेप्टर पर बाइंड होकर एक्शन ही नहीं होने दिया, तो उसको बोल दिया अपन ने 0। ठीक है, इसकी इंट्रेंसिक एक्टिविटी 0 हो गई और एगोनिस्ट की क्या थी +1। फिर पार्शियल एगोनिस्ट, ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर बट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट लेस देन दैट ऑफ एगोनिस्ट। तो देखो एक ऐसी ड्रग जो रिसेप्टर से तो बाइंड करेगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी देगी, पर एगोनिस्ट से उसका एक्शन कम होगा। जैसे याद करो बीटा ब्लॉकर में अपन ने पढ़ा था, उसमें कुछ कुछ बीटा ब्लॉकर में पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी थी, जैसे कि पेंडोलॉल, एसीबुटोलॉल, लैबिटालॉल। तो इनमें क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी है, मतलब ये रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, इनहिबिट भी कर रहे हैं, पर जो एक्शन आ रहा था, जैसे मान के चलो हार्ट रेट बढ़ रही थी, 10 गुना बढ़ रही थी, मान के चलो हार्ट रेट बढ़ रही है, तो ये 5 गुना, 3 गुना इतना ही हार्ट रेट बढ़ाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी। तो ये जो एगोनिस्ट था वो पूरा काम कर रहा था, तो 1 था,
तो जो पार्शियल एगोनिस्ट की जो होगी ग्रेडिंग देंगे अपन, वो लेस देन वन देंगे, ठीक है, 0 से लेस देन 1, ठीक है, मतलब 0 तो नहीं होगी, मोर देन 0 लेस देन 1। फिर इनवर्स एगोनिस्ट, हैव एफिनिटी टुवर्ड्स रिसेप्टर बट प्रोड्यूस इफेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ एन एगोनिस्ट। तो इनवर्स एगोनिस्ट का होता है कि जो रिसेप्टर से तो बाइंड करेंगे और उसका अपोजिट एक्शन करेंगे, है ना, कि मतलब हार्ट को डिप्रेस करेंगे, है ना, तो उस जैसे +1 था ये -1 हो जाएगा, जस्ट उल्टा एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स जो इंटरनल एफिनिटी है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल रहे थे, इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, ये -1 से +1 हो सकती है। तो इसके एग्जाम्पल यही एगोनिस्ट की एक्टिविटी, मॉर्फिन एंड एड्रिनलिन जो है वो एगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट में आ जाएंगे अपने नेलोक्सोन और एट्रोपिन, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट में अपने पेंडोलोल और बुप्रिनॉर्फिन अपन ने डिस्कस किया ही था। फिर इनवर्स एगोनिस्ट में आ जाएंगे अपना बीटा कार्बोलिन्स, ठीक है। बीटा कार्बोलिन कैसे, जो बेंजोडाइपिन के रिसेप्टर होते हैं, तो वहाँ पर बेंजोडाइपिन बाइंड करके क्या करता है, सब सारे चीज़ें घटवाता है, एनजाइटी के काम में आता है, एपिलेप्सी में, एपिलेप्सी के सिम्टम्स को कम करता है। तो जबकि बीटा कार्बोलिन्स होता है वो बेंजोडाइपिन के रिसेप्टर में जाके यही काम करा देता है, एनजाइटी कराएगा, कन्वल्सन कराएगा, एपिलेप्सी ये सब कराएगा, ठीक है। तो ये था अपना इंटरनल एक्टिविटी। अब नेक्स्ट आते रिसेप्टर। तो अपने 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, लिगैंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर और रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल ये सब 4 प्रकार के हैं अपने, क्या बोलते हैं, रिसेप्टर टोटल 4 प्रकार के हैं। तो देखो, लिगैंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर, 4 प्रकार के रिसेप्टर हैं। तो लोकेशन इसकी मेम्ब्रेन में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बस ये है कि जो न्यूक्लियर रिसेप्टर वो इंटरसेलुलर प्रेजेंट है, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट है। इफेक्टर, तो ये जो है किससे इफेक्ट डालेगा, आयन चैनल से, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर चैनल और एंजाइम दोनों से डाल सकते हैं। एंजाइमेटिक रिसेप्टर तो एंजाइम से ही करेगा, और न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है वो जीन ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जी अंदर जाता है, ड्रग इसके अंदर जाएगी, इसको स्टिमुलेट करेगी और जीन ट्रांसक्रिप्शन कराएगी, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, निकोटिनिक एंड गावा रिसेप्टर है लिगैंड गेटेड में, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मस्करेनिक एड्रिनर्जिक है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर में है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइन रिसेप्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिसेप्टर में स्टेरॉयड थायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है, ये है, ये सब है। स्टेरॉयड और थायरॉयड हार्मोन लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है वो अंदर क्रॉस करती है, फिर इनमें एक्ट करती है। सबसे जो जल्दी जिसमें एक्शन आता है वो है मिली सेकंड में एक्शन, किसमें आता है, लाइगैंड गेटेड आयन चैनल में आता है मिली सेकंड, बहुत जल्दी। फिर उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है अपने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है एंजाइम रिसेप्टर, सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो लिगैंड गेटेड, जी प्रोटीन, ये एंजाइम रिसेप्टर, ये सब मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या करना पड़ता है, सीधे सेकेंडरी सिग्नल देते हैं और प्रोटीन में चेंजेस कर देते हैं। जबकि न्यूक्लियर रिसेप्टर में क्या होता है, सब जो ड्रग है वो अंदर जाएगी और इन पर एक्ट करके प्रोटीन सिंथेसिस होगी, फिर प्रोटीन सिंथेसिस के बाद एक्शन आएगा, ठीक है। तो ये इसलिए लेट काम करते हैं। फिर आते लिगैंड गेटेड आयन चैनल, लेकिन मैकेनिज्म एक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि जो ड्रग होगी बाइंड करेगी लिगैंड गेटेड आयन चैनल में, उससे क्या होगा, चैनल्स खुल जाएंगे, जैसे कि आयन चैनल खोल देगी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, इनमें से कोई भी चैनल खुल जाएगा, जो आयन से वो फ्लो करेंगे, हाइपरपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा आयन है, उससे टिश्यू रिस्पॉन्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर विच कंट्रोल सेल फंक्शन बाई एडीनाइल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी, आयन चैनल्स एट्सेट्रा। तो ये जो है ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं, और ये सेल का फंक्शन किससे वो करते हैं, रेगुलेट करते हैं, एडिनाइल साइक्लेज, ये सब जो मॉलिक्यूल इनसे रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट रिसेप्टर, मतलब बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट टू रिसेप्टर, जो एगोनिस्ट है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर उसकी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से कपलिंग होगी। तो देखो, जो अपना GPCR है उसमें 3 सब यूनिट होती है, अल्फा, बीटा, गामा, तो तीनों आपस में बाइंड रहती है और इनसे GDP चिपका रहता है। तो जैसे ही रिसेप्टर बाइंड होता है इसमें, तो GTP आता है, GTP रिप्लेस करता है GDP को, और जो जो GPCR है वो टूट जाता है, अल्फा अलग हो जाता है, अल्फा सब यूनिट अलग हो जाती है, बीटा गामा सब यूनिट अलग हो जाती है, ठीक है। अल्फा अल्फा और GTP अलग, बीटा का गामा सब यूनिट अलग हो जाएगी, ठीक है। फिर जो बीटा गामा सब यूनिट है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, है ना, डिपेंड करेगा कौन सा जी प्रोटीन है उसमें, ठीक है। तो जी प्रोटीन अलग अलग, GS, GI, GQ, GO, 4 प्रकार के होते हैं, अपन देखते हैं उसका एक्शन, ठीक है। तो जो बीटा गामा सब यूनिट है वो एक्शन प्रोड्यूस करेगी, और जो बची हुई अल्फा अल्फा सब यूनिट है उससे जो GTP चिपका था, अब GTP टूट के GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्फा सब यूनिट और वापस से बीटा और गामा से जुड़ जाएगी, ठीक है। जैसे ही GDP हटेगा, GTP हटेगा, GDP आएगा और अल्फा बीटा गामा वापस से जुड़ जाएगी, ठीक है। तो फिर से वो तैयार होगा रिसेप्टर वापस से ड्रग के, मतलब ड्रग्स से बाइंड होने के लिए, ठीक है। तो अपन डिस्कस करते हैं कौन कौन से जी रिसेप्टर क्या क्या करते हैं।
ठीक है, तो जो GS है वो एड्रेनालिन साइक्लेस को स्टिमुलेट करेगा, तो इसका नाम GS है, CAMP बढ़ाएगा तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो वो एसेक्ट करते हैं। फिर आता है GI, जी मतलब इनिबिट करेगा तो एड्रेनालिन साइक्लेस को इनिबिट करेगा तो CAMP का लेवल कम करवाएगा, तो अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन स्मूथ मसल वो ऐसे एक्ट करते हैं। फिर आता है GQ, जे फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा तो IP3 और DAG का लेवल बढ़ेगा तो मस्करेन रिसेप्टर ऐसे एक्ट करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट अपना बीटा गामा, जो GO वाला जो आखिरी बचा है, तो एंजाइम एंड आयन चैनल्स को वो एक्टिवेट और इनिबिट करके एक्शन करेगा, जैसे कि बाकी सारे GPCR बचे हुए। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट आते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम। ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब याद करो अपने जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था, बाइंडिंग ऑफ A1S टू एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ रिसेप्टर। तो दो मतलब उसके दो दो पार्ट रहते हैं रिसेप्टर के, एक बाहर की तरफ रहेगा और एक अंदर की तरफ, है ना, तो बाहर बाहर से जो ट्रग आएगा इससे चिपकेगा। फिर डाइमराइजेशन ऑफ द रिसेप्टर स्टिमुलेट द इंट्रेंसिक काइनेज एक्टिविटी, जो रिसेप्टर है उसका डाइमराइजेशन होगा और वो इंट्रेंसिक एक्टिविटी है जो काइनेज की वो उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो जो यहाँ बाहर बाइंड हुआ फिर जो अंदर, जैसे मान के चलो एक एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम कन्वर्जन था, जैसे ही बाहर बाइंड होगा तो वो कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो उससे सिग्नल पाथवे जनरेट होगा अंदर से, एक्टिवेट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, टिश्यू रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन एंड रिसेप्टर अप रेगुलेशन। तो देखो, डाउन रेगुलेशन होता है एगोनिस्ट के प्रोलॉन्ग यूज से और अप रेगुलेशन होता है एंटागोनिस्ट के अप प्रोलॉन्ग यूज से। तो अब देखो डाउन रेगुलेशन देखते हैं सबसे पहले, कि मान लेते चलो कोई रिसेप्टर है उस पर एगोनिस्ट बार बार बाइंड हो रहा है, बार बार बाइंड हो रहा है, एक्टिविटी दे रहा है, अपन एगोनिस्ट के लेवल बार बार दे रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ रही है, एक्टिविटी बढ़ रही है। तो कुछ टाइम बाद होंगे जो रिसेप्टर हैं वो सेंसिटिविटी जो होगी उनकी लूज हो जाएगी, रिसेप्टर की नंबर भी कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ऐसे उसको आदत पड़ जाएगी ऐसे, तो मतलब वो रिस्पॉन्स देना कम कर देंगे। ठीक है, रेगुलेशन जो मतलब उनका रिसेप्टर का रेगुलेशन है वो कम हो जाएगा, डाउन रेगुलेट हो जाएंगे, मतलब रिसेप्टर के नंबर भी कम हो जाएंगे, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो जो ड्रग का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्रॉनिक यूज ऑफ साल्ब्यूटामोल डाउन रेगुलेट्स द बीटा टू एड्रेनर्जिक एड्रिनो रिसेप्टर विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल। मतलब साल्ब्यूटामोल अपन बहुत बार देंगे, बहुत बार देंगे, वो क्या है बीटा एगोनिस्ट है, तो उससे क्या होगा डाउन रेगुलेशन हो जाएगा, रिसेप्टर कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो जो उसका एक्शन आना कम हो जाएगा। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटागोनिस्ट बहुत देर तक यूज करते हैं तो जो रिसेप्टर का नंबर है, जैसे एंटागोनिस्ट अपन ने बीटा ब्लॉकर बहुत टाइम तक दिया, बहुत टाइम तक दिया, जो रिसेप्टर है उनको भाई लगेगा कि क्या हो रहा है कि आ ही नहीं रही है ड्रग, तो उस वजह से क्या होगा जो रिसेप्टर के नंबर बढ़ जाएंगे, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा कि रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एगोनिस्ट के लिए। तो जैसे फॉर व्हेन प्रोपेनोलोल इज स्टॉप आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज सम पेशेंट एक्सपीरियंस विदड्रॉवल सिम्टम। तो बीटा ब्लॉकर दिया अपन ने बहुत टाइम तक तो उसमें सुपर सेंसिटिविटी रिसेप्टर के नंबर बढ़ गए, और जैसे ही बीटा ब्लॉकर बंद करेंगे तो जो नॉर्मल न्यूरो ट्रांसमीटर था नॉरेपिनेफ्रिन वो सब एक्ट करेगा, तो वो एक्ट करेगा बहुत ज्यादा एग्रेसिवली, क्यों, क्योंकि जो नंबर रिसेप्टर के बढ़ गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग में क्या आता है कि जब अपन दो ड्रग को टू और मोर ड्रग्स को कंबाइन करेंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स है बढ़ेगा घटेगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंक्रीज रिस्पॉन्स। सबसे पहले आता है एडिटिव इफेक्ट। ये ड्रग ए है या ड्रग बी है, दोनों अलग अलग एक्ट कर रही थी पर दोनों को साथ में दे दिया तो जो दोनों का एक्शन है वो ऐड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपन एडिटिव इफेक्ट, जैसे आइबुप्रोफेन और PCM। अब नेक्स्ट आता है पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन मतलब कि ड्रग ए है उसका जो एक्शन है वो बी के आने से बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी इसमें लिखा हो मोर देन व्हेन इफेक्ट ऑफ ड्रग प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी का जो है एक्शन वो जो ज़्यादा है ए और प्लस बी से, मतलब जब अपन अकेले ए दे रहे थे है ना, फिर अपन ने ए प्लस बी दी तो जो अकेले ए ड्रग ए के एक्शन आ रहा था वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, जैसे लेवोडोपा और कार्बिडोपा है। ठीक है, तो लेवोडोपा जो है वो पेरीफेरल में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो कार्बिडोपा क्या कर रहा था पेरीफेरल डिकार्बोक्सिलेज को इनिबिट कर रहा था, जिससे कि जो लेवोडोपा है वो ब्रेन में ज़्यादा एक्ट करे, तो जो लेवोडोपा का लेवल है वो ब्रेन में ज़्यादा पड़ता है, हाफ लाइफ बढ़ जाती है, पोटेंशियल बढ़ जाती है जब कार्बिडोपा के साथ देते हैं। ठीक है, ऐसे एसिटाइल कोलाइन और फाइजोस्टिगमिन के साथ है, कि जब कार्बिडोपा और फाइजोस्टिगमिन है वो इनिबिट करते हैं ब्रेकडाउन लेवोडोपा और एसिटाइल कोलिन का बाहर, तो जिस वजह से उसका एक्शन बढ़ जाता है, तो ये पोटेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म मतलब व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली देयर कंबाइंड इफेक्ट इज ग्रेटर देन देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। ठीक है, तो जब अपन इनको साथ में देंगे तो जब अलग अलग देने से जो इफेक्ट आ रहा था और इनके कॉम्बिनेशन देने से इफेक्ट ज़्यादा आएगा। ठीक है, जैसे सल्फा मिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम प्राइम पायरीमिथामिन और सल्फाडॉक्सिन। ठीक है, तो ये है सिनर्जिज्म का एग्जांपल। तो इंक्रीज डोज में कौन कौन से आ जाएंगे, एडिटिव इफेक्ट, पोटेंशिएशन और सिनर्जिज्म। फिर नेक्स्ट आता है डिक्रीज रेस्पॉन्स। फिर
ड्रग रेस्पॉन्स में एंटागोनिज्म मतलब एक ड्रग दूसरे ड्रग के अपोजिट एक्शन करेगा तो उसको एंटागोनिज्म बोल देंगे। तो एंटागोनिज्म बहुत सारे टाइप्स के हैं, इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म और कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। इस पर दो नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म बताओ, उसके एग्जाम्पल बताओ, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म बताओ, उसके एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, तो ये करना ही है करना ही। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंटागोनिज्म। फिजिकल एंटागोनिज्म मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ड्रग की अपोजिट है, जैसे एडजॉर्प्शन ऑफ एल्कोलाइड बाई एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, तो जो एल्कलॉइड पॉइजनिंग है तो उसको अपन प्रिवेंट कर लेंगे, एडजॉर्प्शन कर लेगा चारकोल, तो चारकोल एडजॉर्ब करवा देंगे तो सिर्फ फिजिकल एंटागोनिज्म हो गया। ठीक है, तो एल्कलॉइड्स और चारकोल एंटागोनिस्ट हो गए। फिर केमिकल एंटागोनिस्ट में आ जाएंगे कि दोनों जो हैं दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अपोजिट, जैसे एंटा एसिड और गैस्ट्रिक एसिड। तो एंटा एसिड अपन दे देंगे तो गैस्ट्रिक एसिड के अपोजिट एक्शन है, तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो एक्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल, ध्यान से सुनना। टू ड्रग एक्ट एट डिफरेंट रिसेप्टर ऑन बाई और बाई डिफरेंट मैकेनिज्म ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट। मतलब दो ऐसी ड्रग अलग अलग रिसेप्टर पे काम करें या अलग मैकेनिज्म से काम करें, है ना, और एक दूसरे को जो है इफेक्ट को कैंसिल कर दें। जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ब्लड में और ग्लूकागोन बढ़ाता है। ऐसे एड्रेनलिन और हिस्टामिन, ये दोनों क्या है, आपस में फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हैं। तो एग्जांपल भी याद रखना और डेफिनेशन भी याद रखना। फिर आता है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट बाइंड टू द सेम रिसेप्टर एज द एगोनिस्ट इनहिबिट्स इट्स इफेक्ट। तो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट जो है वो सेम रिसेप्टर, मतलब कि जो एक एक है बीटा एगोनिस्ट और एक है बीटा एंटागोनिस्ट, तो वो एक ही रिसेप्टर पे अपोजिट एक्शन कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं रिसेप्टर एंटागोनिज्म। तो उसमें भी दो टाइप के होते हैं, कॉम्पिटेटिव और एक होता है नॉन कॉम्पिटेटिव। ठीक है, सबसे पहले कॉम्पिटेटिव स्टार्ट करते हैं। बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बाइंड रिवर्सिबली टू द सेम साइट ऑन द रिसेप्टर। दोनों ही सेम साइट पे बाइंड करेंगे, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो जैसे कि ACH है वो मस्कुलिनर्जिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट है और एट्रोपिन जो है वो एंटागोनिस्ट है। मॉर्फिन जो है ओपिओइड रिसेप्टर में एगोनिस्ट है और नेलोक्सोन जो है वो एंटागोनिस्ट है। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव में इतने करना है, इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम देख लेना है ना, तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉम्पिटेटिव की डेफिनेशन आनी चाहिए और उसके उसका एग्जांपल, ये दस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नॉन कॉम्पिटेटिव में ऐसे ही होगा कि जो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट है वो अलग अलग रिसेप्टर के अलग अलग साइड पर बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो लड़ाई होगी नहीं, तो जो जो वो ग्राफ में कुछ नहीं है। ग्राफ में देखो, जो अपन जब डोज बढ़ा के जब डोज बढ़ा देंगे एगोनिस्ट का, तो जो वो है एंटागोनिस्ट वो एक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे कि मान के चलो एगोनिस्ट था यहाँ पर, है ना, फिर अगर एगोनिस्ट का कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट दे देंगे तो जो लॉग लॉग डोज लॉग DRC है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये इतने डोज में काम कर रहा था, अब एगोनिस्ट के डोज बढ़ा देंगे तो तब इफेक्ट देगा। ठीक है, जबकि क्या होता है कि जो नॉन कॉम्पिटेटिव है उसमें डोज बढ़ाने से फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एगोनिस्ट एक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अलग साइड पर जो है एंटागोनिस्ट वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे समझ में। फिर नेक्स्ट आता है फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। अब कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन ड्रग फैक्टर पेशेंट फैक्टर देखते हैं, तो इसमें मैं नाम ना बताऊँ तो सबसे पहले ड्रग फैक्टर में आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग रूट से अलग अलग टाइप के एक्शन आ सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग और दूसरी ड्रग प्रेजेंट होगी तो मॉडिफाई वो हो जाएगा एक्शन उसका। क्यूमुलेशन होता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन मतलब कि जो ड्रग है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती है। जैसे क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन को अपन पहले डोज धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, तब जाके उसका जो मेंटेनेंस डोज में आता है। ठीक है, फिर पेशेंट फैक्टर आते हैं एज, बॉडी वेट, सेक्स, एनवायरनमेंट, जेनेटिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजिकल स्टेट, टॉलरेंस, ड्रग डिपेंडेंस, ये सब फैक्टर हैं। इनके बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, बाकी मैं नाम बता रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा लिखने को आ सकता है। ठीक है, फिर प्लेसिबो इफेक्ट जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो थोड़ा बता देता हूँ कि इट इज़ अ डमी मेडिसिन हैविंग नो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब कि एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, पर वो असली पेशेंट को पता नहीं है, पर को पेशेंट को बताना नहीं है कि ये ड्रग असली। अपन शुगर टैबलेट दे रहे हैं उसको और उसके जो है जो साइन एंड सिम्टम्स वो सही हो जाएंगे, है ना। तो अपन कब यूज़ करते हैं, जैसे एनजाइटी, हेडेक, ट्रिमर, पेन, इंसोमिया, मतलब कि जो उसके दिमाग में बीमारी रहती पर होता नहीं। जैसे अपन सोच लेंगे कि अपन को पेन होना है यहाँ पर, अपन को एनजाइटी घबराहट हो रही, तो होने लगेगी, तो अपन को उसको वैसी ट्रीट करना पड़ेगा कि जो असली में कुछ है नहीं, अपन ड्रग दे देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लेसिबो आर यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज बायस। तो अपन क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ करते हैं कि उसके साइड इफेक्ट कम आए, और इन सब में यूज़ करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है कि जैसे अपन ने पहले ड्रग दी, तो अपन 2 mg ड्रग दे रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ, टॉलरेंस डेवलप हो गया कि अब जो रिसेप्टर हैं वो टॉलरेट हो गया, वो सेंसिटिविटी कम हो गई है, तो उस वजह से 2 mg पे अब एक्शन नहीं आ रहा, तो अपन को अब डोज बढ़ानी पड़ेगी 4 mg। तो जो वो है ड्रग है वो टॉलरेट हो गई है, मतलब है ना, टॉलरेंस आ गया उसमें। ठीक है, तो दो टाइप की है, नेचुरल और एक्वायर्ड टॉलरेंस होती है, मतलब पहले से प्रेजेंट है और उन बाद में दे रहे हैं तो एक्वायर्ड हो जाएगी। मैकेनिज्म कौन कौन सी, फार्मेको काइनेटिक टॉलरेंस आती है जिसमें कि जो कंसंट्रेशन है जहाँ पर ड्रग को एक्ट करना वहाँ कम हो जा रहा है, ठीक है, उस वजह से, है ना। फिर एक फार्मेको डायनेमिक टॉलरेंस होता है कि जो उसने रिसेप्टर को डाउन रेगुलेट कर दिया, रिसेप्टर के नंबर कम कर दिए, तो उस वजह से टॉलरेंस आ गई। फिर नेक्स्ट आता है क्लॉस टॉलरेंस, जैसे कि
ऐसा है कि जैसे एक ग्रुप की ड्रग है ओपियोइड्स है, तो एक एक ओपियोइड से टॉलरेंस आई तो दूसरे ओपियोइड से भी टॉलरेंस आएगी, तो उसे बोलते हैं क्रॉस टॉलरेंस। ठीक है, टैकीफाइलेक्सिस अपन अलग से वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये होगा। तो ये ड्रग्स मॉडिफाइंग एक्शन जो है ना, ये आ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन 20 नंबर का आराम से आ सकता है, तो ये कर लेना अगर फंसा क्वेश्चन, तो ये कर लेना। ठीक है, थैंक यू।